हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। आज फिर हम चल दिए हैं कोसी की ओर घूमने के लिए। दो दिन से नहीं गए थे तो हमने सोचा चलो आज घूमने जाया जाए कि कोसी के क्या हाल चाल है, वो कम हुई है या ज्यादा हुई है, गहरी हुई है या उसका जो वाटर लेवल है वो कम हो गया है। ये हम मुआवना करने के लिए जा रहे हैं आज। इधर बच्चे खेल रहे हैं। जब मैं दिन में आई थी तो देखा था यहाँ पर उन्होंने नेट भी निकाल दिया था, लेकिन इस समय खूब भीड़ इकट्ठी हो गई है और बच्चे खेलने में लगे हुए हैं। यहाँ आ गई है मम्मी। मम्मी यहाँ ऊपर खड़ी हो जाती हैं, थोड़े कोसी नदी के और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेती हैं। नीचे तो जा नहीं पाती हैं मम्मी, क्योंकि पैरों में दर्द रहता है और सही भी नहीं है जाना, हम ही फिसल जाते हैं। तो हम चले नीचे घूमने के लिए कोसी की तरफ। सबसे आगे घर पहुंच गया, बस कहने की देर है, वो सबसे पहले पहुंच जाता है। मैं ही सबसे पीछे रह जाती हूँ, सब आगे ही निकल जाते हैं। टापे के साइड इफेक्ट। पहले मैं बहुत पतली थी, सब मुझे छिपकली कहा करते थे, कितने कितने प्यारे प्यारे कमेंट मिलते थे, बॉडी प्लस खाया करो। और आज ये हाल है कि कुछ क्या कहते हैं, पतला करने के लिए क्या खाऊं ये सोचती हूँ। अपनी और फनी डोडा भी पीती हूँ, ग्रीन कॉफी भी पीती हूँ, जो जैसे मुझे पता चलता है इससे पतले हो सकते हैं इससे पतले, मैं सब करती हूँ, लेकिन उसके बाद में पतली नहीं हो पा रही हूँ। सच में शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए, जरा सा हम असावधानी बरतते हैं तो एकदम फैट हम मोटे हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही लगे हम मोटे हो रहे हैं तो उसी समय अपने डाइट में कंट्रोल करें, जिससे ही कोई मेरी तरह मोटा ना हो पाए। फ्रेंड लोग भी यही कहते हैं कितनी मोटी हो रही है, कितनी मोटी हो रही है। सबको पतली ही लड़कियां हो चाहे बीबियां हो, सब पतले दुबली बीबियां ही सबको अच्छी लगती है, मोटा मोटे को कोई पसंद नहीं करता है। आ गए हम कोसी के किनारे। यू भी पहले से यहीं पर ही है, घूम रहा है। ये आ चुके हैं हम कोसी के पास। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पानी तो और कम हो गया है, यही हम देखना चाह रहे थे कि पानी की क्या हाल चाल है। बिल्कुल सही हाल चाल है। देखो इसकी तो हरकतों से मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ अपने बेटे के। बच्चे चल दिए हैं कोसी पार करके दूसरी साइड जाने के लिए। ये आ गए बच्चे घूम घाम के नदी के बीच से किनारे से। मजा मजा आता है इन बच्चों को। दोपहर का वक्त है, हिमाद्री तो सो रही लेकिन गर्व जगा हुआ है, तो उसका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मैं बना रही हूँ ब्रेड स्वीट डिश। मैं पहले भी बना चुकी हूँ तो मैंने कहा क्यों ना आज फिर से बनाई जाए, इंस्टेंट है, बहुत जल्दी बन जाती है और बच्चे को लगती भी अच्छी है और लुक वाइज भी अच्छी लगती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए हमें ब्रेड। मैंने जो याला ग्लास होता है, इस ग्लास से मैंने ब्रेड को राउंड शेप में कट कर लिया है। मैंने 6 ब्रेड यूज करी हैं। इसके अलावा चाहिए हमें रूअफ़ज़ा और थोड़े से नट्स चाहिए। मैंने इसमें बादाम, काजू और किशमिश रखे हैं। और थोड़ा चाहिए हमें डेसिकेटेड नारियल, यानी नारियल का बुरादा, और थोड़ी सी मलाई। अब जो ये मलाई है इसमें मैं जो ये ड्राई फ्रूट्स है वो ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। ये मैंने मलाई में ड्राई फ्रूट्स जो है मिक्स कर दिए हैं। अब हम ये लेंगे एक पीस ब्रेड का और उसके बीच में हम ये जो मलाई का जो हमने ये मेवे मिक्स करे हैं इसके बीच में लगा देंगे और इसके ऊपर हम दूसरी ब्रेड इससे कवर कर देंगे। ऐसी मैं सेम प्रोसीजर इन दोनों ब्रेडों के साथ भी करूंगी। ये मैंने मलाई लगा दी है। अब मैं जो ये रूअफ़ज़ा लग रखा है इसमें मैं इसको डिप करूंगी। डिप करके इसे प्लेट में रख दूंगी। ऐसी मुझे इनको भी ऐसे ही करना है। रूअफ़ज़ा अपने में बहुत मीठा होता है, इसलिए हमें शुगर की, किसी भी चीज की शुगर या आइसिंग शुगर की जरूरत ही नहीं है। ये मैंने इसे अच्छे से डिप कर लिया है और ये हमारे तीनों ब्रेड पीस तैयार हो गए हैं।
अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये नारियल का बूरा है इसकी अच्छे से इसकी कोटिंग कर देनी है, अच्छे से चारों तरफ से भी इसे लगा देंगे। तो ये तैयार हो गया हमारी ब्रेड स्वीट डिश, दिखने में देखिए कितनी खूबसूरत लगती है ऐसी में, जो ये सारे पीस है ये तीनों पीस, क्योंकि मैं इस समय अपने लिए और अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने तीन पीस बना रखे हैं। खाली जब हिमाद्री उठेगी तब मैं उसके लिए उसी समय बनाऊंगी, क्योंकि ब्रेड बनना बहुत सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए हमारी ब्रेड स्वीट डिश हो गई है तैयार, और थोड़ा सा हम इसे डेकोरेट कर देते हैं, ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर से रख देते हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी लगती है और बहुत ही मतलब बहुत अच्छे से लगती है। ये देखिए खाने वाले तैयार खड़े हैं खाने के लिए, तो खाइए महाराज, आनंद उठाइए, जाइए। ये अद्दू है, आजकल इसकी मम्मी गांव गई हुई है, तीसरा दिन हो गया इसकी, अब है कि मम्मी अभी तक गांव से नहीं आई, अपनी बेटी को तो लेके चली गई लेकिन इसको लेके नहीं गई। ये दिन भर या तो नीचे ही रहता है या ऊपर रहता है, इसके पापा होटल में जॉब करते हैं, वो रात को ही आते हैं तो बस सोने के लिए आ जाते हैं, और सुबह खाना या तो मैं खिला रही हूँ या ममता खिला रही है, और शाम को इसके पापा खिलाते हैं, तो इसके मम्मी शायद शाम को तक आएगी, लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, ट्यूशन अपनी जो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है वो भी नहीं गया, दिन भर खेल घर को, बड़े ही मजे आ रहे हैं इसके साथ खेलने। अब हम चल दिए हैं घर की ओर, तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, और प्लीज जो नए मेरे चैनल में न्यू होते हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं कि हमने ज्वाइन कर लिया है, हम आपके घर में आ गए, और मैं उनको ज्वाइन कर लेती हूँ लेकिन वो मुझे ज्वाइन नहीं करते हैं, और बहुत से ज्वाइन करने के बाद अन भी कर देते हैं, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं तो फेथफुली हमेशा सबको ज्वाइन करती हूँ, कभी अन नहीं करती हूँ, और अपनी ओर से कोशिश करती हूँ जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के वीडियो देख सकूँ। प्लीज प्लीज ज्वाइन करा कीजिए। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड कर रही हूँ, तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय बाय।